आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस इन दिनों काफी सक्रिय है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इसी बाबत विगत रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि सबौर थाना क्षेत्र के प्रशस्त डी से घोगा जाने वाले रास्ते में कुछ व्यक्तियों द्वारा हथियार के बल पर मुसाफिरों को लूटने की योजना बनाई जा रही है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी मनीष शर्मा, सुजीत कुमार और अंकित कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उक्त अपराधी लूट की योजना बना रहे थे। इनके साथ एक देसी कट्टा, 2 मिसफायर गोली, 1 मैगजीन, 1 चाकू व 3 मोबाइल बरामद किया गया, जिसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जैसा आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध शराब मादक पदार्थ की छापेमारी लगातार हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लगातार हम लोग को सफलता भी मिली है और उसकी बरामद भी हुई। जैसा कि विगत कुछ दिनों में आप सबको समाचार मिला ही होगा, तो इसी क्रम में जो है दिनांक 15/4/24 के रात्रि में भागलपुर पुलिस को जो है गुप्त सूचना मिलती है कि प्रशस्त डीह से गोघा जाने वाले रास्ते में कुछ व्यक्ति जो है हथियार के बल पर राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल की गठन किया जाता है और गठित टीम के द्वारा जो है योजना बना रहे 3 अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों का जो विवरण है इस तरह है, पहला जो है मनीष शर्मा है, इनके पिता बल्लू शर्मा, दूसरा जो है सुजीत कुमार, पिता स्वर्गीय चंदू किशोर मंडल, दोनों बैजलपुर के रहने वाले हैं, और तीसरा जो गिरफ्तारी हुई है अंकित कुमार उर्फ पिक्की, पिता स्वर्गीय सुनील कुमार सुमन, ये रामनगर के रहने वाले हैं, थाना सबौर भागलपुर। जो बरामदगी हुई है इसमें देसी कट्टा 1 है, मिसफायर्ड गोली जो है इसकी संख्या 2 है, 1 मैगजीन बरामद की हुई है, 1 चाकू और 3 मोबाइल इन लोगों के पास से मिला है। जो छापेमारी दल की जो टीम के मेंबर्स थे उनमें जो थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल जी हैं सबौर थाना अध्यक्ष, दूसरे जो हैं SI धर्मेंद्र कुमार सबौर थाना, SI बिट्टू कुमार कमल सबौर थाना और PSI सतीश कुमार सबौर थाना, परिपुआनी निशांत कुमार शर्मा सबौर थाना और साथ में जो हमारे बल जो उनके साथ में थे। एक और बात जो एक साथ हम बताना चाहेंगे कि इनमें से एक जो है 2009 के केस में अच्छा इनके अलावा जो है जो कि वांटेड है चोरी के केस में उसका भी गिरफ्तारी कर हुआ है। सर इन लोगों को पहले से भी आपराधिक मामले पहले से खंगाला जा रहा है इसका जो है अभी तक इसका कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन हम लोग इस पर बाकी थानों से पूछताछ करके कि इसका कोई आपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार रामनवमी को लेकर आज पूरे जिले में आस्था की गंगा बहती दिखी। रामनवमी पर्व को लेकर कई जगहों पर भगवा ध्वज लहराया गया तो कहीं शोभा यात्रा भी निकाले गए। वहीं भक्ति गीत से पूरा इलाका गुंजायमान रहा। मान्यताओं के अनुसार असुरों के राजा रावण को संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में भगवान राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। रामनवमी के अवसर पर शहर की कई कमेटियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों ने हनुमान पताका भी मंदिरों में व घरों में लगाए। पूरा शहर जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान रहा। वहीं पूरा इलाका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में लीन रहा। सर पर पूरा भागलपुर राममय हो गया है। ये मंदिर 100 साल पुरानी है। जो भी आस्था विश्वास लेके आते हैं भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बजरंगबली ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान सबकी सुनते हैं, इसीलिए यहाँ हजारों की संख्या में हर साल भीड़ रहती है। ये 100 साल पुरानी है। बजरंगबली की जय, जय श्री राम, जय जय हनुमान। बहुत आस्था तो हम लोग हिंदू हैं, जो भी हिंदू है वो तो बहुत इस पर बजरंग बली भगवान श्री राम प्रभु पर आस्था है, विश्वास है। भगवान श्री राम ने चरित्र को सिखाया है, जो तुलसीदास जी ने लिखा है राम चरित्र मानस। अब बजरंग बली उनका भक्त है, शंकर भगवान का भी रूप उनका बजरंग बली है। रामनवमी के अवसर पर हर बार हम लोग यहाँ ध्वजा चढ़ाते हैं बजरंग बली को। बजरंग बली पर पूर्ण विश्वास है, हर संकट हर जो भी है अभी राम में है। भगवान बजरंग घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर, जो कि पूरा भागलपुर अभी बजरंग बली से रामनवमी के अवसर पर
तब ये सौ साल पुराना यहाँ इतनी भीड़ लगने का क्या कारण है? सौ साल पुराना है, इस पर विश्वास है। ये मंदिर आज से नहीं, बहुत पुराने मतलब कई वर्ष, सौ वर्ष से ऊपर से भी यह मंदिर है अवस्थित। और जो भी विभाग चाहते हैं अपने मनोकामना लेकर के भगवान इनका पूरा करते हैं। आज के दिन एक तो पहला राम जी का जन्म है और दूसरा ये नवरात्रा जो है स्वयं राम जी लंका पे विजय पाने के लिए किए थे, इसलिए देव नवरात्रा चैती को लाता है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, चुना में अलग है और भक्ति में अलग है। ये मंदिर कितने साल पुरानी है? ये मंदिर 50 साल पुरानी है। इस मंदिर में मैया बाबा का प्रतीक पूरा विश्वास है, साईं बाबा हैं ऊपर में उस पर भी विश्वास है, सबका मनोकामना पूर्ति होता है जो दिल से मांगते हैं। बहुत लोग यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर बन के गए हैं, IAS ऑफिसर बन के गए हैं। भागलपुर में चैती नवरात्रि को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आज महानवमी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। जिला के नगरपाड़ा वैष्णवी दुर्गा मंदिर में नवमी को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। महिला श्रद्धालु मां दुर्गा को खोइचा चढ़ाकर सुहाग और पुत्र के सुख की कामना कर रही है। मंदिर में स्थापित की गई मां दुर्गा के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज हवन कार्यक्रम के बाद कल मां दुर्गे का विसर्जन किया जाएगा। विसर्जन में आसपास के कई गांवों के हजारों लोग शामिल होंगे। यहां वैष्णव रीति से, वैष्णवी दुर्गा है इसलिए वैष्णव रीति से ही यहाँ पूजा होता है। भगवती वैष्णव हैं और नवमी का जो है ये सिद्धिदात्री का आज पूजन होगा। आज पूजन हवन आराधना आरती करने से लोग को सिद्धि प्राप्ति होती है, इसलिए आज का बहुत महत्व है। और काफी संख्या में, और आज कुमारी भोजन का भी प्रधानता है, काफी संख्या में भीड़ जुटेगा यहाँ। हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज है, हम महिला जितना भी है हर मनोकामना के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई अपना सौभाग्य के लिए, हर मनोकामना के लिए खोइछा देती है। कोई पुत्र के लिए देता है कि माँ हम आज तुम्हें यह खोइछा चावल दुबरी हल्दी और इलायची लौंग बहुत विशेष तरह से खोइछा मतलब श्रृंगार का सामान भी दे के देती है कि माँ मेरा श्रृंगार भरा रहे, इसलिए माँ खोइछा पड़ता है और संतान प्राप्ति के लिए भी खोइछा दिया जाता है। एक आवश्यक सूचना, मैं रमेश टुडू 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे ऊपर मिर्जा चौकी थाना की संख्या 48/21 दिनांक 4/8/2021 एक केस दर्ज है जो SDJM साहेबगंज झारखंड न्यायालय में है। उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष इस साल भी शहर में श्री राम की शोभा यात्रा हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से निकाली गई। इसमें शहर के हजारों लोग हाथ में भगवा ध्वज लिए जय श्री राम के उद्घोष के साथ शोभा यात्रा में नगर भ्रमण करते दिखे। शोभा यात्रा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल चौक मायागंज से निकाली गई। बच्चे बूढ़े जवान युवा सभी के चेहरे पर एक अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा था। शोभा यात्रा के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के द्वारा बूढ़ानाथ चौक पर महाआरती का आयोजन और संध्या में श्री राम कालेश्वर धाम में महाभंडारा का आयोजन किया गया। भव्य श्री राम शोभा यात्रा मायागंज अस्पताल चौक से बड़ी खंजरपुर महिला कॉलेज चौक रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए कोतवाली गौशाला तिलका मांझी डीएम आवास होते हुए राम कालेश्वर धाम मंदिर में संपन्न हुआ। वहीं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए लोग भक्ति धुन पर थिरकते रहे। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर चौक चौराहों पर पुलिस मौजूद थी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे में भी सुरक्षा की निगरानी की जा रही थी। आज रामनवमी के उत्सव में सरकार क्लब के तरफ से और राकेश शर्मा के तरफ से निःशुल्क जल सेवा शरबत रोटी तमाम पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई थी कचहरी चौक भागलपुर के पास। आज कहाँ से जुलूस निकला था? ये जुलूस मायागंज बरारी से होते हुए बड़ी खंजरपुर छोटी खंजरपुर होते हुए मनाली चौक से कचहरी चौक यहाँ से वो स्टेशन होते हुए बुहाना हो जाएंगे जहाँ संध्या आरती होगी 6 बजे। क्या हर साल करते हैं? हर एक साल और कम से कम ये हो गया हम लोगों का 10 से 12 साल। इसकी बात है, इस वर्ष सरकार क्लब कचहरी चौक के तरफ से हम लोगों ने जल सेवा शरबत कीड़ा और भी तमाम फल का व्यवस्था किया गया था ताकि हमारे जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं इस छाटी में उनको बहुत गर्मी है, गर्मी को देखते हुए कम से कम पानी की व्यवस्था हुई। ये व्यवस्था हम लोग पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं, हर एक वर्ष करते हैं और ये हिंदू का महापर्व है। इस महापर्व में हम तमाम हिंदू मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम भाई भी थे हमारे, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिंदू मुस्लिम का जो वातावरण बना ये हमारे भागलपुर के लिए एक अच्छा संदेश है। ये जुलूस है अभी आगे बढ़ा है और संध्या में ये आरती होनी है बूढ़ानाथ बाबा के यहाँ, वहाँ वो खत्म होगा और फिर वो अपना खंजरपुर के लिए बढ़ेंगे। इमामी कंपनी की सीएनएफ कमल मारुदिया के द्वारा कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के साथ लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज रेफ्रिजरेटर और सेकंड प्राइज मिक्सर ग्राइंडर था। लकी ड्रॉ का कूपन सीएनएफ के प्रोप्राइटर कमल मारुदिया के द्वारा निकाला गया जिसमें फर्स्ट प्राइज राजेंद्र मंडल को एवं सेकंड प्राइज धीरज कुमार को दिया गया। सीएनएफ के प्रोप्राइटर कमल मारुदिया ने कहा कि हर एक साल लकी ड्रॉ का आयोजन किया जाता है जिसमें वैसे कर्मचारियों के बीच लकी ड्रॉ का पुरस्कार वितरण किया जाता है जो कर्मचारी पूरे साल तन मन के साथ काम करते हैं। कमल मारुदिया ने कहा कि हमारे कंपनी का लगभग 450 प्रोडक्ट है और पूरे बिहार में 20 जिला में हमारे यहाँ से माल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में अंकित मारुदिया, नीरज कुमार, पंकज कुमार सिंह, संजय यादव, रघु यादव, पप्पू कुमार, उपेंद्र यादव उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम हमारे भागलपुर सीएनएफ इमामी ग्रुप ऑफ कंपनी है जो 20 जिले में काम करती है और यहाँ से सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को इमामी ग्रुप ऑफ कंपनी का माल जाता है। हमारे जो कर्मचारी है जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह प्राइज रखा गया जिसमें हमारे कर्मचारियों के बीच आज ये प्राइज वितरित किया गया लकी ड्रॉ के माध्यम से, जिसमें फर्स्ट प्राइज फ्रीज और सेकेंड प्राइज ग्राइंडर मिक्सी दिया गया। फर्स्ट प्राइज राजेंद्र कुमार मंडल, सेकेंड प्राइज धीरज कुमार सिंह को दिया गया। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जैसे नवरत्न तेल है, बोरो प्लस क्रीम है, फेयर एंड हैंडसम है, झंडू बाम है, मेंथो प्लस है, फेयर एंड हैंडसम और बोरो प्लस क्रीम नवरत्न तेल ब्रांड हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले उत्पादकों में से एक है। केसरी जीवन भी है, झंडू पंचारिष्ट वगैरह बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और डिमांड बढ़ती भी जा रही है। पाउडर में नंबर वन हमें नवरत्न कूल टेल्क, डर्मी कूल, केस किंग, सभी हमारे ब्रांड जो है मार्केट में छाए हुए हैं और इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। कंपनी का भी बहुत सारा प्रोग्राम है कि और हम लोग मर्ज करें छोटी छोटी कंपनियों को जिससे हमारा सेल बढ़े।
सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में प्रखंड स्थित विभिन्न चैती दुर्गा मंदिर एवं हनुमान मंदिरों में चैती नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर भक्तों ने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए ध्वजारोहण किया और साथ ही भक्तों ने चैती दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए अपने अपने घरों में भी चैती दुर्गा माता का पूजा पाठ करते हुए कन्या पूजन एवं कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर घर में सुख शांति की कामना की। इसको लेकर हनुमान मंदिर एवं चैती दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष की तरह मंदिर में महाआरती करते हुए प्रसाद का भी वितरण किया गया। रामनवमी एवं चैती नवरात्र को लेकर पूरे शहर में भक्तों की भीड़ होने के बाद थाना अध्यक्ष प्रंजन के द्वारा सुरक्षा बल को लगाया गया है। नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा पूरे शहर में साफ सफाई अभियान भी युद्ध स्तर से किया गया। पूरे शहर में जय हनुमान जय श्री राम के धुन एवं चैती दुर्गा माँ के जयकारे गुंजायमान रहे। और इस बार तो लोकतंत्र का महापर्व भी है और इसी अवसर पर यह रामनवमी आया हुआ है और 500 वर्ष के बाद रामलला अपने महल में विराजमान हुए हैं। इस बार उत्साह चरम सीमा पर है और संपूर्ण सनातनिया सनातनी को मानने वाले जितने भी हैं पूरे विश्व में सबों में बहुत सारा उत्साह है। इस रामनवमी के अवसर पर पूरे नगरवासी के साथ साथ पूरे बिहार के वासी को और प्रदेश देश के सभी नागरिकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ कि भगवान रामचंद्र की कृपा से महावीर जी के कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि और हरियाली आवे, यही मंगल कामना करते हैं।